सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ना मैं अबल ना आखर मैं ना ही बीच में, बन्या बनाया आप ही सो सब तुम ही से, सो सब तुम ही से। मैं तो तुम्हारी की अल परमेश्वर चिंतित ने किरवत की इस वाणी में हमें दर्शाया है कि हम वास्तव में कौन है। वास्तव में जो हम अपने को देखते हैं ये हम नहीं, हम तो वो है जो वो है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती। और यही समझाने के लिए ब्रज का खेल बनाया गया, रास का खेल बनाया गया, जागनी का खेल बनाया गया। जागनी में परम धाम की ब्रह्मवाणी देकर के हमें दर्शाया जा रहा है कि वास्तव में हम कौन हैं। इस संसार में आने के बाद हमने हक की मैं को छोड़ दिया है और किसकी मैं ले बैठे हैं, जीव की मैं, शरीर की मैं और संसार की। जीव की मैं का तात्पर्य क्या होता है? हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम ज्यादा सेवा भाई हैं, हम राज्य पर अटल ईमान रखने वाले हैं, हम राज्य से प्रेम करने वाले हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, यह भी एक प्रकार की मैं है। आप राज्य पर ईमान रखने वाले हैं, राज्य पर प्रेम करने वाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर दर्शाना कि मैं राज्य से अधिक प्रेम करने वाली हूं, ये मैं की श्रेणी में आता है। एक तो होता है कि मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, मेरे जैसे ऊंचे घराने का नहीं है, ये कौन सी मैं है? संसार की मैं। लेकिन जो जीव की मैं, इन सबको हम छोड़ दें, हमें रूप का भी अहंकार ना हो जाए, शरीर की नश्वरता का भूत हो जाए कि शरीर तो हड्डियों का ढांचा है, मल मंत्र भी इसमें भरा है, रूप का अहंकार समाप्त हो जाए, धन का अहंकार समाप्त हो जाए, बुद्धि का भी अहंकार समाप्त हो जाए, तो भी तो ये भाव रहता है कि देखो हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है। यह भाव रखना कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मैंने सारे अहंकारों को दूर कर दिया है, यह भी एक प्रकार का अहंकार है। ये इतनी छोटी चीज नहीं है। जैसे हम बार बार कहें कि आपको पता है मैंने अपने को बिल्कुल मैं को मार दिया है, मैं तो चरण धूली हूं, मैं चरण धूली हूं, सबको यदि आप बताते फिरेंगे तो इसका अर्थ क्या है? आपके अंदर ये कहीं ना कहीं मैं बैठी है कि मैंने अपनी मैं को मार दिया है। वाणी क्या कहती है? मारिया कह, आपने जो मारिया है
मैं को मारा है, इसको निकाल दीजिए। मारिया कहिया कड़िया कहिया और कहिया वो जुदा, कहने कहना बंद कर दीजिए कि मैंने माई को मार दिया है, आपने नहीं मारा है। राज्य की कृपा ने आपके अंदर से आपकी माई को उठा दिया है और सबसे बड़ी कृपा है। याको पार्श्व पावी जाको मुतलक बख्शीश हो, इस माई से परे कौन होगा, जिस पर राज्य की सबसे बड़ी कृपा होगी वही माई से परे होगा। हम और राज्य दो नहीं है परम धाम में, यही बताने के लिए तो खेल बना। और यदि पता चलता कि हम और राज्य दो नहीं है तो रक्त ही नहीं होता, और रक्त का कारण क्या हुआ कि हमने अपने को राज्य से अलग समझा। इसका दूसरा रूप भी है इस संसार में, हम परम धाम की यदि नकल करें, हम कहेंगे देखो हम तो राज्य हैं, तो जिससे कह रहे हैं वो भी तो राज्य हुआ, गुनाह क्या हो जाता है। इस दुनिया में सिवाय खुदाए जो बुजुर्गी लेवे, सोते की आपे अपना पाया फल भी खोवे। हम अपने को राज्य का स्वरूप माने और से सुंदर साथ को अपना सेवक बना ले, ये गुनाह होता है। जैसे हम हैं वैसे ही सबको देखने लगे तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। देखिए जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत कराने की शोभा किसकी है, केवल महामती को। लालदास जी को भी महामती की शोभा दी गई, लेकिन राज्य कराने की शोभा लालदास जी को नहीं मिली, छत्रसाल जी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। यदि कोई परमात्मा मार्फत की अवस्था में आती है तो अभी मैंने चौपाई बोली, मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे खुदा। जिसको अपने शरीर की मैं का पता नहीं है, बुद्धि की मैं का अहंकार नहीं है, जीव से संबंधित किसी भी तरह की मैं उसकी नहीं है। जीव से संबंधित मैं का तात्पर्य क्या है, जैसे आप देखिए जागने की लीला में श्री जी के चरणों में 5000 सुंदर साथ हैं जिसमें 500 ब्रह्म सृष्टि है। लालदास जी की गरिमा अपने जगह पर है, छत्रसाल जी की गरिमा अपनी जगह है, मुकुंददास जी की गरिमा अपनी जगह पर है, परमानंद जी की गरिमा अपनी जगह है, लेकिन इन ब्रह्मनियों में भी कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता है। जैसे छत्रसाल जी में और मुकुंददास जी में कुछ न कुछ खटास रही, तभी तो कीर्तन उतरा था, जाऊं कहां महाराज शरण जाऊं कहां महाराज। ये जो कीर्तन नहीं है ये तो सेवा पूजा में मुकुंददास नवरंग स्वामी ने बनाया है। परात्म की दृष्टि सभी परम धाम की परमात्माएं हैं, लेकिन जो जीव का स्वभाव है लालदास जी का अलग है, छत्रसाल जी का अलग है, मुकुंददास जी का अलग है, परमानंद जी का अलग है। अब सरकार जी का स्वभाव और रामचंद्र जी महाराज का स्वभाव अलग अलग, दोनों के अंदर परम धाम की आत्मा, लेकिन जिस जीव पर उनकी आत्मा बैठी है उनका स्वभाव अलग है। शाकुंडल छत्रसाल जी का स्वभाव अलग है और शाकुमार की आत्मा जिस औरंगजेब पर बैठी है उसका स्वभाव अलग है। तो ये स्वभाव इस जीवों के स्वभाव है, जीवों का स्वभाव बदल सकता है, आत्मा का जो स्वभाव है सबका एक जैसा है, क्योंकि आत्मा परम धाम की है, वह दत्त है। परात्म का जो स्वभाव है, परात्म का स्वभाव क्या है, प्रेम आनंद सर्वस्व समर्पण। अभी इस प्रकरण में आ रहा है, मैं तो तुम्हारी किया, मैं केवल आपकी, मैं केवल राज्य की हूं, ये बात कहना बहुत सरल है। एक चरण ही तो है, कह देते हैं कि राज्य में तो आपके हैं, लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा होता है, नहीं। यदि हम कुछ भी बड़ा कार्य करेंगे तो हमारे अंदर भावना तो आएगी कि मैंने ये कर दिया। हमें खिलवत की वाणी सिखाती है कि हमने कुछ नहीं किया, करने वाला कौन है, वही। मैं आपको महाभारत का एक दृष्टांत देता हूं। महाभारत का युद्ध जब चला गया तो भीम कहने लगे कि मैंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मैंने मारा है,
ये बात बहस का मुद्दा बन गई। अंत में सोचा गया कि किसके कारण विजय हुई, क्योंकि अर्जुन यदि कर्ण को नहीं मारते, भीष्म पितामह को सरसरिया पर नहीं सुलाते तो जीत संभव ही नहीं थी। लेकिन धृतराष्ट्र के सभी स्वपुत्रों को मारने वाला भीम है, सब देख रहे हैं कि कर्ण को किसने मारा, द्रोणाचार्य का सिर किसने काटा, भीष्म पितामह को किसने मारा, प्रत्यक्ष में दिख रहा है। सभी बर्बरिक के पास जाते हैं, जो घटोत्कच का पुत्र था और पहाड़ के ऊपर उसकी गर्दन काट करके अमरत्व प्रदान करके कृषि ने रख दिया था। उसके पास जब जाते हैं तो बर्बरिक जोर से हंसने लगता है, कहता है कि नहीं, न अर्जुन ने मारा है, न भीम ने मारा है, न धृतराष्ट्र ने मारा है, ये जो आगे कृष्ण है इसी ने सबको मारा है, यही नारायण का स्वरूप है। क्योंकि अर्जुन के तीर के आगे मैं इन्हीं को हमेशा देखा करता था कि काल रूप में यही नारायण सबको अपने अंदर लीन कर रहे हैं। तब सबको समझ में आया कि हम तो केवल एक माध्यम है इस संसार में, राजी किस पर कैसी कृपा कर दें और उससे कैसा कार्य करवा लें जिसमें महिमा किसकी है। इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहती है हमारे अंदर यही समर्पण का भाव भरने के लिए कि रोम रोम कई कोट गुण ऐसी में गुने का, ये तो कई में गिनती फिर गुने गुने सुमार। किसने ऐसा कहा गया है ताकि हम अपनी महिमा केवल बताते न रहे। सुंदर साथ में क्या होता है, हम अपने को दूसरों से अच्छा समझते हैं, हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, दूसरों की केवल बुराई देखते रहते हैं, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, कमी तो हमारे अंदर भी होगी। लेकिन यदि किसी ने संकेत कर दिया कि आपके अंदर ये कमी है तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि हम कभी भी अपने को बुरा न तो कहलाना चाहते हैं, ना किसी के मुख से सुनना चाहते हैं। यदि पीठ पीछे भी किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं कि हमारी बुराई क्यों की। जब आप अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते तो दूसरे की बुराई आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मदृष्टि भी नहीं जगी है, हम किस पर देख रहे हैं, जीव की दृष्टि से। तभी वाणी में कहा है, अवगुण कारे गुण ग्रह हारे से हुई जीत, साहेब से सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि के रीत। अवगुण कारे गुण ग्रह, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, दूसरों के अवगुणों को, हम अपने अवगुणों को निकाल गुण ग्रह, दूसरों में जो अच्छाई है उसको ग्रहण करते जाए। देखिए दो चीजें, एक बार द्रोणाचार्य ने भीम को भी, ये दुर्योधन को भी भेजा और युधिष्ठिर को भी भेजा कि जाओ हस्तिनापुर में देख कर आओ कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। दुर्योधन घूम करके आता है शाम को, कहता है कि गुरुदेव मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। युधिष्ठिर आकर कहते हैं कि गुरुदेव मुझे एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। देखिए दृष्टिकोण अलग अलग है, युधिष्ठिर दूसरे में केवल अच्छाई देखते गए और उस अच्छाई को अपने अंदर ग्रहण करते गए तो क्या बन गए, अच्छे। दुर्योधन सब में बुराई देखता गया तो सबकी बुराइयों को वो ग्रहण करता गया। हमें क्या करना है, अवगुण कार्य गुण ग्रह, हमें आत्मचिंतन करना है कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, किसी से पूछना नहीं है। यदि आप किसी से पूछेंगे कि बताओ मेरे अंदर क्या अवगुण है तो कोई आपसे अपनी दोस्ती क्यों तोड़ेगा, वो तो कहेगा कि नहीं जी आप में तो कोई बुराई नहीं है, आप में अच्छा ही है, आप जैसा कोई नहीं। तो परिणाम क्या होगा, हम आत्म प्रशंसा के शौकीन हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की अच्छाइयों को देखें और उन अच्छाइयों को अपने अंदर लेने का प्रयास करें। संसार में का जो सबसे बुरा व्यक्ति होगा उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होगी। रावण के अंदर भी अच्छाई, 99 बुराई है तो एक अच्छाई जरूर होगी। कंस के अंदर भी 99 बुराई होगी तो एक अच्छाई जरूर होगी। और सबसे अच्छे आदमी में युधिष्ठिर बहुत अच्छे आदमी थे, धर्मराज के अवतार थे, लेकिन उनमें जुआ खेलने का व्यसन था, उनमें भी दोष था। इसलिए संसार में हमें कैसी प्रवृत्ति अपनानी होगी, दूसरों की अच्छाइयों को देख कर ग्रहण करने के और आत्मचिंतन करके निष्पक्ष हृदय से अपनी बुराइयों को अवलोकन करके उसको छोड़ने के।
यदि हम ये राह अपनाते हैं तो क्या होगा, हम राज्य की राह पर चलते जाएंगे, अन्यथा क्या होगा, दूसरों के बुराइयों का चिंतन करते करते हमारे अंदर वही संस्कार हो जाएंगे। अब वाणी क्या कह रही है, जैसे अभी मैंने कहा, न तो मैं पहले थी, न बीच में थी, न आखिर में थी। इसका आशय क्या है, पहले कौन था? देखिए आप कौन हैं, यदि आप परम धाम के सिद्धांत को समझ जाए, हम यहां के दृश्य देखते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत खराब है, मैं बहुत अच्छा हूं। ये कौन कह रहा है, ये जीव का स्वभाव कह रहा है। और यहाँ की दृश्य जब हम देखते हैं तो क्या होगा कि लालदास जी और छत्रसाल जी, परमानंद जी और नरम स्वामी जो श्री जी के साथ पल पल रहते हैं, श्री जी का वरद हस्त है, साक्षात अक्षरातीत के साथ रहते हुए भी माया के प्रभाव से उनमें परम धाम की वैधता की अनुभूति है, लेकिन व्यवहार में नहीं। मैं सुंदर सहज एक बात समझिए, मैं इन ब्रह्मणियों की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, ये तो हमको कैसे मार्ग पर चलना है, मुझे किसी परमात्मा की समीक्षा करने का अधिकार नहीं। जहां लालदास जी के चरण पड़े हैं, छत्रसाल जी के चरण पड़े हैं, नौरंग स्वामी के चरण पड़े हैं, मैं तो धूल भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि माया का बल कितना होता है, कि हम सुंदर सहज जानते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, लेकिन परम धाम की भावना से तो हम सबको नहीं देखते हैं। हम इन आंखों से दुनिया की भावना से ही सबको देखते हैं कि देखो मैं ब्राह्मण खानदान का हूँ, वो छोटी जात का है, मैं अमीर घर का हूँ, वो गरीब घर का है, मेरा रूप रंग सुंदर है, वो काला कलूटा है, ठीक ना है। तो ये कौन देख रहा है, हमारी आंखें। किसकी आंखें हैं, जीव की, जो माया की बनी है। हम परम धाम की नजर से देखें तो क्या होगा, परम धाम तो छोड़िए, रास में भी क्या था, आत्म सवनी एक दिशे जुजवित दिशे दे, सबके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर कौन है, परम धाम की आत्मा। और सबकी आत्मा का स्वरूप कैसा है, जैसा स्वरूप श्यामा जी का है वैसा ही स्वरूप सभी सखियों का है, रूप रंग सबका एक जैसा है। अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर, जब हम आंतरिक नजर से देखेंगे तो राज्य ही श्यामा जी हैं, श्यामा जी ही राज्य हैं, राज्य ही सखियां हैं, सखियां ही राज्य। यदि हम उस नजर से देखेंगे तो हम सपने में भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम किसका दिल दुखा दे रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि के लक्षण क्या है, साथ दिल सुहागने कबूनो दिखावे के। सुंदर साथ में इतनी लड़ाइयां क्यों होती हैं, क्योंकि हम जीव भाव से, जीव की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से उसको देखते हैं तो उसमें केवल बुराई बुराई नजर आती है, हमें अपने अंदर अच्छाई अच्छाई नजर आती है, वहां से घृणा का संस्कार हमारे अंदर पलने लगता है, और हम घृणा और मोह के संस्कारों में पलते पलते राज्य के व्यंधन से दूर हो जाते हैं। ये खिलवत है। खिलवत की वाणी में क्या करना है कि हमें अपनी परात्म की भावना को जगाना है, हम कौन है जो मूल मिलावे पे बैठे, हमारा स्वरूप क्या है, जिसके हम अंग हैं, सागर का स्वरूप और उसकी लहर का स्वरूप दो नहीं होता है। जो स्वरूप श्यामा जी का है हम भी उन्हीं के स्वरूप हैं, जो राज्य का स्वरूप है वही श्यामा जी का स्वरूप है, राज्य का दिल ही तो श्यामा जी का दिल है, और श्यामा जी का दिल ही हमारा दिल है। यदि श्यामा जी का दिल हमारा दिल है, राज्य का दिल हमारा दिल है, राज्य का तन हमारा तन है, तो हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार का विकार नहीं होना चाहिए, हमें किसी को छोटा समझने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि अरे वो तो छोटी जात का है, अब तो कुछ कम हो गया है, पहले सुंदर साथ में भी जाति पात बहुत था, आज भी कहीं कहीं है काफी कुछ है, जो बड़े बड़े समाज की हस्तियां हैं वो छोटी जात के सुंदर साथ के घर का बना हुआ भोजन आज भी नहीं करती। पक्का भोजन तो कर लेंगे, कच्चा भोजन नहीं करेंगे। पक्का भोजन क्या है, जो घी में बना हो तो शुद्ध, और जो पानी में बना है वो शुद्ध, वो नहीं खाएंगे, पक्का भोजन शुद्ध हो जाएगा। क्यों, जीवा का चटकारा है, इससे तो कोई आत्मा का कोई लेना देना नहीं। खिलवत की वाणी कह रही है कि मैं तो हूं ही नहीं कुछ, कौन है,
मेरी आत्मा के रूप में क्या हो, कौन है, केवल तुम हो। देखिए प्रभाई लोग जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, इदम नमः, यह मेरा नहीं है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पे, हे गोविंद आपकी वस्तु है, आपको समर्पित करते हैं। वाणी सबसे आगे जाकर के बोलती है, हम तो है ही नहीं, ना हम हैं ना हमारा कुछ है, मेरे रूप में तुम ही हो और तुम ही सब कुछ कर रहे हो। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। खिलवत में आपका प्रवेश कब होगा, जब आपका सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। अहंकार कब समाप्त हो जाएगा, अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मोह से। मोह से अहंकार होता है, मोह और अहंकार को लेकर ही तो सारा संसार चल रहा है। जिस दिन अहंकार समाप्त हो जाएगा उस दिन मोह भी समाप्त हो जाएगा, यही सबसे बड़ी बाधा है। आप चितवनी करते हैं तो आपको चितवनी का अहंकार आ जाता है, ज्ञान ग्रहण करते हैं तो ज्ञान का अहंकार आ जाता है, सेवा करते हैं तो सेवा का अहंकार आ जाता है, ये भी तो एक बाधा बन जाती है। आप क्यों नहीं सोचते कि मेरे तन से सेवा करवाई जा रही है, मेरे तन से ज्ञान करवाया जा रहा है, मेरे तन से चितवनी के मार्ग पर चलाया जा रहा है। आप कुछ नहीं, आप कुछ करते तब जब आपका कोई अलग अस्तित्व होता। परम धाम से यदि आप आए हैं तो परम धाम में राज्य के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, ना अर्श चिमी दूसरा कोई और धरावे ना, ये लिख्या वेद कतेब में कोई ना ही खुदा बिन का। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं। लीला रूप में श्यामा जी हैं, लीला रूप में सखियां हैं, और यहाँ परम धाम की आत्माएं आई तो आपस में करेंगे कि मेरे समान तुम नहीं हो, मेरे जैसे ज्ञान में तुम नहीं हो, मेरे जैसे आचरण में तुम नहीं हो, मेरे जैसी सेवा में तुम नहीं हो। तो एक तो माया हमने खड़ी कर ली, ये सारे बंधनों को जब हम तोड़ देंगे तब हमारा खिलवत में प्रवेश होगा, मूल मिलाव में हमारी नजर तब जाकर के वहाँ का रसपान करती है। जहाँ खिलवत है वहाँ वाहदत है, जहाँ वाहदत है वहाँ निस्बत है, जहाँ निस्बत है यहाँ इश्क है, जहाँ इश्क है वहाँ राज्य की परिपूर्ण लीला हो रही है। और इन संपदाओं को पाने के लिए हमें एक ही बात अपनानी पड़ेगी कि वहाँ की नज़र से हम स्वयं को देखें। हम यहाँ की नज़र से जब देखते हैं, इन आँखों से अपने शरीर को देखते हैं, अपने जीव को देखते हैं, शरीर और जीव के संबंधों को देखते हैं, तो यहाँ से हमारा भटकाव शुरू हो जाता है। जैसे परमधाम में रहते हुए भी सखियों ने कहा था कि राजी हम आपको रिझाती हैं, परमधाम में कोई झूठ नहीं बोलता है, रिझाती हैं, लेकिन राजी ने यह पहचान नहीं दी थी कि सखियों तुम्हारे रूप में मैं स्वयं। जब वाणी का हमको प्रकाश मिलता है तो हम क्या कहते हैं, न तो मैं पहले थी, न बीच में थी, न हूँ न कभी रहूँगी। अव्वल क्या है, दो तरह से अव्वल बीच और आखिर का भेद किया जाए। परम धाम में जब से है, परम धाम कब से है, अनादिकाल से। अनादि किसको कहते हैं, जिसकी प्रारंभ का कभी पता ना हो। बीच कब है, ब्रजराज और जागने के प्रमाण में आए हैं तो ये बीच है। और आखिर क्या होगा, जब परात में हम जागृत होंगे तो उसको हम आखिर कहेंगे। दूसरे प्रकार में हम ये मान सकते हैं कि ब्रज में हम पहली बार आए, या परम धाम में मान लेंगे, रास को बीच में मान लेंगे, और जागनी का ब्रह्मांड जो अंतिम में चल रहा है। तो महामती जी की आत्मा कह रही है कि न तो मैं पहले, न मध्य में, न अंत में, मैं थी ही नहीं, न हूँ, न कभी रहूंगी, केवल आप हो। ये कब कहा जाता है, जब समर्पण की पराकाष्ठा हो जाती है। जैसे सकृति में एक चौपाई आती है, प्रेम तड़ा पिजड़ा मैं घालू हूं तम साखने द्राक, मैं आपको प्रेम के पिजरे में रखू हूं तम साखने द्राक, और मैं स्वयं अंगूर बन जाऊं। इसमें द्रौपदी जी ने क्या कहा है, पोपट करो निलटे पांख, राजी मैं आपको प्रेम के पिजरे में तोता बनाकर रख लू और मैं स्वयं अंगूर बन जाऊं।
मेरे हृदय का जो प्रेम है वो पिंजरा बन जाए और उस पिंजरे में नीले पंखों वाले आप तोता बन जाइए और मैं अंगूर बन जाऊं ताकि मुझे आप पूरी तरह से खा लो। इसका अर्थ क्या है? ये समर्पण की पराकाष्ठा कि मेरा अस्तित्व मिट जाए, ये प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति, मेरा स्वयं का कुछ अस्तित्व नहीं। जैसे इस संसार में हम सीता और राम के प्रेम की उदाहरण, सीता और राम के प्रेम का उदाहरण देते हैं, लेकिन सीता और राम का प्रेम इस हद का प्रेम है, बेहद या परम धाम का प्रेम नहीं है। राम को जरा सी बदनामी का डर हुआ तो सीता का परित्याग कर दिया, और सीता को जब पता चलता है कि मेरा बार बार अपमान हो रहा है, बार बार परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, सीता जी को बहुत बुरा लगता है, दुखी हो जाती है और धरती में समा जाती है। ताली दोनों हाथ से बज रही है, परम धाम के प्रेम के सामने देखा जाए तो ये प्रेम नहीं है, ये तो एक स्नेह है, सत्वगुण का भावना है, दोनों में पवित्र स्नेह था, ये मान सकते हैं। हाँ, राधा कृष्ण का प्रेम इससे ज्यादा परिपक्व है, प्रतिबिंब की राधा और प्रतिबिंब के कृष्ण, जो मथुरा और द्वारिका में जो कृष्ण लीला की उनमें भी एक अलौकिक प्रेम है, जो गोकुल की शक्ति, गोलोक की शक्ति से 11 दिन 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में लीला होती है और गोपियां 112 वर्षों तक कृष्ण की प्रतीक्षा में विरह में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ती हैं, या ही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप से। उन गोपियों का अलौकिक प्रेम है, उनको कोई गिला शिकवा नहीं है, वो कृष्ण में दोष नहीं निकालती है, उनका एक ही है कि हमारा कृष्ण जहां रहे खुश रहे, वो मथुरा से यहाँ नहीं आना चाहता ना आए, द्वारिका से यहाँ नहीं आना चाहता ना आए, हम उसकी बाट देखते हैं लेकिन कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन परम धाम का प्रेम तो इस सबसे ऊपर होना चाहिए था, हम समर्पण ही नहीं जानते। आप देखिए हमारे घर में 1 लाख महीने की आमदनी होगी, राज्य के लिए कितना निकालेंगे? एक पाठ रख देंगे 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये का। धन तो समर्पित पूरा धन भी नहीं करेंगे, मन भी नहीं करेंगे, तन भी नहीं करेंगे, दिल कोई नहीं दे सकता अपना। जो दिल अपना दे देगा वो मारिफत में पहुंच जाएगा, लेकिन कोई दिल देना नहीं चाहता। जो अपने दिल दे देगा वो मारिफत में पहुंच जाएगा, जो मारिफत में बन जाएगा वो साक्षात राजी बन जाएगा, ये झूठी बात नहीं है। लेकिन कबीर जी ने एक बात कही है, गहरे पानी बैठकर कबीर जी ने बात कही है कि मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, मैं समुद्र के किनारे गया, मैं मोतियों को देख रहा था लेकिन मैं सोचा कि इसमें उतरूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, जिन पार जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने समुद्र में डुबकी लगाई, परमात्मा के प्रेम रूपी समुद्र में जिसने डुबकी लगाई उसने प्रेम के मोतियों को पा लिया, मैं सोचा कि मैं डूब कर मर जाऊंगा इसलिए मैं किनारे पर बैठ कर देखता रहा। ये अलंकारिक वर्णन है। हम सुंदर सा सोचते हैं कि हमने अपना दिल दे दिया राज्य को तो क्या होगा, हम घर के नहीं रहेंगे, पत्नी के नहीं रहेंगे, बच्चों के नहीं रहेंगे, किसी के नहीं रहेंगे, लोग हमें पागल समझेंगे, इसलिए हम अपने दिल को बचा कर रखते हैं और इतनी चतुराई से पति पत्नी से कहेगा कि मैं तुम्हारा ही हूँ, पत्नी कहेगी मैं तुम्हारी हूँ, राज्य के सामने जाकर कहेंगे कि राज्य हम तो केवल आपके हैं, बच्चों के सामने कहेंगे कि बच्चों तुम तो हमारी जान हो, तुम्हारे लिए तो हम जीवित रहे, सब एक दूसरे को छल रहे, कोई किसी को दिल देना नहीं चाहता। और ये वाणी खिलवत की वाणी कहती है कि खिलवत का अर्थ क्या होता है, हम सोचते हैं कि पांचवी भूमिका खिलवत है, मूल मिलावा खिलवत है, ये तो जाहिरी रूप से, खिलवत का सूक्ष्म अर्थ समझिए राज का दिल, दिल ही खिलवत है। कोई किसी के हृदय में कब रहता है? प्रेम
की गहराई क्या होती है, जब दिल में दोनों एक दूसरे के आशिक के दिल में मासूम बसे, मासूम के दिल में आशिक बसे, तभी तो प्रेम की लीला हो। राजे के दिल में सखियां रहें, सखियों के दिल में राजी रहें, और पूरा परम धाम क्या है, राजी का दिल। इसलिए मूल मिलावे में को खिलवत इसलिए कह रहे हैं कि परात्म के तन बैठे, परात्म के तन है, भले ही राजी को नहीं देख रहे हैं तो क्या, राजी श्यामा जी सखियों का स्वरूप वहां विराजमान है, तो उसको खिलवत कह देते हैं। श्रृंगार के चौथे प्रकरण, श्रृंगार के दूसरे प्रकरण को देखिए, उसमें क्या कहा गया है कि परमात्मा का दिल ही धनी का धाम है, और जहां धाम है उसमें धाम की सारी सामग्री होगी। आपका दिल जिस दिन धाम की शोभा को प्राप्त करेगा, आपके हृदय में परम धाम के 25 पक्षों की शोभा होगी, आपके हृदय में युगल स्वरूप की शोभा होगी, आपके हृदय में सब सुंदर साथ बैठे हुए नजर आएंगे। लेकिन उस नजर से देखेंगे तब तो, जब हमारी नजर शरीर की और संसार की बनी रहेगी तो हमें संसार और शरीर ही तो नजर आएगा, और यही सब कुछ सारा कुछ भ्रम है जिसको हमने समझा नहीं। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं, ये बात समझ में आ जाएगी। कुछ साल पहले शायद श्रीकृष्ण सीरियल चला था, मैंने सारा तो नहीं देखा है, बहुत पुरानी बात है। उसमें राधा के मन में आता है कि कृष्ण पर केवल मेरा अधिकार है, ये सारी सखियां भी कृष्ण के पीछे लगी रहती है, मेरा तो आनंद छीन जाता है। राधा को क्रोध आता है और उसने एक रेखा खींच दी कि जो इस रेखा को पार करके कृष्ण से मिलने का प्रयास करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। राधा के हृदय से बात निकली वो तो झूठी नहीं हो सकती। कृष्ण चाहते हैं, ये 11 साल 52 दिन के अंदर की लीला का प्रसंग है। कृष्ण ने ऐसी लीला कर दी कि जो भी गोपी आती है राधा को दिखाई पड़ती है कि ये तो मेरा ही स्वरूप है। राधा सभी गोपियों के अंदर अपना स्वरूप देखती है, तो जले कैसे, वो आकर के सभी सखियां खड़ी हो जाती है। अंत में राधा को अपनी भूल का प्रायश्चित होता है। राधा को श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि राधा तुम्हारे दिल में मैं हूं, और जिनसे तुम द्वेष किए बैठी हो ये तुम्हारा ही स्वरूप है। मेरे तुम्हारे और इन गोपियों के अंदर किसी भी तरह का भेद नहीं है। ये तो ब्रज की लीला में राजी ने समझा दिया था, लेकिन नींद का असर था, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब खिलवत की वाणी को हम सैकड़ों पाठ पढ़ जाते हैं, व्याख्या भी कर लेते हैं, अर्थ भी जानते हैं, लेकिन वो व्यवहार में चरितार्थ नहीं होता। व्यवहार में चरितार्थ हो जाए तो हमें आंखें बंद करते ही सारा परम धाम नजर आने लगे, युगल स्वरूप नजर आने लगे। लेकिन हमसे क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे सामने आम खड़ा है, शरीर का, संसार का, जीव का, और यही अंग सबसे बड़ी माया है, और यही माया हमको खिलवत में प्रवेश नहीं करने दे रही है। जैसे इंद्रावती जी ने क्या कहा था, अभी मैंने उदाहरण दिया था कि स्वयं को अंगूर के रूप में प्रस्तुत कर दिया और राज्य को उसे खाने वाला एक तोता बना दिया, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। हमारा अस्तित्व कुछ नहीं, हम राज्य के नाम पर कुछ पाठ रखते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं। मैंने बार बार कहा है, मैं कहता हूँ कि आप वाणी पढ़िए, लेकिन जो ये व्यापार की तरह होता है कि राजी आप ऐसा कर दोगे तो मैं और कर दूंगा, इसका मतलब आप मानते हैं कि धन आपका है, आप यही तो माने बैठे हैं कि शरीर आपका है, धन आपका है, घर द्वार आपका है, जीव आपका है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। आपका शरीर होता है तो मरता ही नहीं, आपके शरीर को तो घर वाले जला देंगे, उसकी राख को भी फेंक दिया जाएगा, शरीर आपका नहीं है। और आपके धन पर कौन कब्जा कर लेगा, आपके बेटे बेटियां या बहू, आप जो धन कमा रहे हैं वो धन तो दूसरों को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। एक रुपया भी आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे, धूल का एक कण भी नहीं ले जाएंगे, सब छोड़ना है। फिर भी मेरी करत दुनी जाते बोझ ब्रह्मांड से ले, पांव पलक का नहीं भरोसा तो कोई सिर सजन को न दे। आप क्या कहते हैं कि मेरा बेटा है, बेटा बड़ा होता है उसका विवाह आप कर देते हैं,
वो किसी और का बन जाता है, उसके बच्चे होते हैं, अब वो बच्चों का हो गया, आप बूढ़े हो गए। आपने जो मकान बनाया, जिन बच्चों को पैदा किया, वो आपको बोझ लगने लगते हैं, वो आपको बोझ समझते हैं कि दादाजी जब देखो तब खांसते रहते हैं। आपके पोते कहते हैं कि दादाजी जोर से मत खांसिए, हमारी पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है। आपने जिस घर को बनाया, जिस घर को अपना कहा, जिन बाल बच्चों को अपना कहा, एक दिन समय आता है कि वे आपको बोझ समझते समझते ऐसे हो जाते हैं। जब आपका शरीर छूटता है तो जल्दी से आपको घर से बाहर ले जाकर जला आते हैं, सुख सभा कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी दुनिया है। यही मोह का संसार है, और इस मोह के संसार में हम परम धाम की ब्रह्मवाणी पढ़ करके पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, हमारे वैद्य के तन है, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। जैसे कई बार चर्चा में मैंने दृष्टांत दिया है कि कबूतरों के सरदार ने कबूतरों को सिखाया कि देखो शिकारी थोड़ी देर में आने वाला है, जान डालेगा, तुम फंसना नहीं। उन्होंने रट्टा लगा लिया। सभी कबूतरों ने क्या कहा कि आप चिंता न करो, हम सावधान रहेंगे, शिकारी की तरफ देखेंगे भी। लेकिन जब वो जाल डाल देता है तो लालच खाने का ऐसा है कि वो खाने के लिए दौड़ते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन रट्टा लगा रखा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फंस तो गए हो, फंसे हैं, जाल में फंस कर भी कह रहे हैं कि शिकारी आएगा। शिकारी आ भी चुका है, दाना डाल भी जा चुका है। हम भी खिलवत की इस वाणी को पढ़ते हैं कि हमारे और धनी की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या है, मैं खुद ही का अहंकार, मैं भी मैं मरे नहीं, मैं को मारना है, हक की मैं आ जाए। हक की मैं का तात्पर्य पूरा प्रकरण इसी विषय पर है। हक की मैं संसार की नहीं, मैं तो तुम्हारे की है, मैं केवल आपकी, और मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मैं आपसे हूं, और तो और आप ही उनका तात्पर्य क्या। देखिए हकीकत में क्या कहेंगे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मार्फत में क्या कहेंगे, मैं हूं ही नहीं, मैं तो आप हूं, मैं आप हूं और आप मैं हूं। आप मेरे कहने का असर समझते हैं, जो मैं हूं वो आप हैं, और जो आप हैं वो मैं हूं। ये मार्फत की अवस्था है, ये सबको प्राप्त नहीं होती, ये उसको प्राप्त होगी जो मारिया कहिया, काड़िया कहिया और कहिया मुझुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रही है खुदा, उसमें और खुदा में कोई भेद नहीं रहता। मैंने कई बार चर्चा में दृष्टांत दिया है, सिबली एक सूफी फकीर थे, उनके पास दो दीक्षा लेने के लिए आए मुसलमान। मुसलमानों में सूफी फकीरों में जब दीक्षा दी जाती है तो वो हाथ चूमते हैं, क्योंकि वो मत्था नहीं टेकते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार उनका सिद्धांत है कि एक अल्लाह के सिवा किसी को मत्था नहीं टेकना है, तो जब नमाज पढ़ते हैं तभी अल्लाह को मत्था टेकते हैं, इसके अलावा किसी भी रिश्ते को मत्था नहीं टेकते, हाथ चूमते हैं। तो जब शिवली के पास एक मुसलमान आता है तो कहते हैं कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह शिवली रसूल अल्लाह। तो मुसलमान कहता है कि मैं तो आपसे बैत नहीं लूंगा, बैत लेने का दीक्षा लेना होता है। पूछा क्यों, कि आप तो अपने को रसूल बन रहे हैं, मैं आपसे दीक्षा क्यों लूं। तो शिवली हंसने लगे, कहते कि मैं भी तुम्हें दीक्षा नहीं देना चाहता, तुम्हें दीक्षा लेना हो किसी मस्जिद में जाकर मौलवी के पास चले जाओ। तो उसने कहा कि हाँ मैं मौलवी से लूंगा, क्योंकि आप तो अपने को रसूल मान रहे हैं। दूसरा आता है, उससे भी कहते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह शिवली रसूल अल्लाह। तो वो मुसलमान कहता है कि देखिए मैं आपसे बैत नहीं लूंगा। कहा कि क्यों, कहता है कि मैं रसूल साहब को तो पहले से मानता हूं,
पुराण मुझे पूरी कंठस्थ है। मैं तो आपके पास इस भाव से आया था कि आप अल्लाह से मिलकर अल्लाह हो गए होंगे और आप अपने को अब रसूल मान रहे हैं तो मैं आपसे दीक्षा क्यों लूं। मैं तो आपको अल्लाह ताला मान करके आया था कि आशिक मासूक के रंग में रंग करके स्वयं को ऐसा बन गया होगा। तो आप सोचिए, हम सुंदर साहब कहाँ खड़े हैं, हम अपनी परात की नज़र को की भावना को नहीं खोल पा रहे हैं, हम शरीर और संसार की नज़र से इसी संसार में भटक रहे हैं। ये वाणी हमें क्या सिखा रही है? नीचे को अबल बिचौर हाल, न तो मैं पहले थी न बीच में थी और न अब, मैं तो तुम्हारी कियल। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी। ये भाव जब तक हमारे अंदर चितवनी में नहीं आएगा तब तक हमारी सुता परम धाम की तरफ गमन नहीं करेगी। आप देखिए, हम अपना हृदय, कल भी मैंने कहा था, हम अपना हृदय राज्य को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाते। हृदय को दे देने से बड़ी भक्ति कोई नहीं होती। प्रेम लक्षण भक्ति का अर्थ क्या होता है? कोई राज्य के चरणों में जाता है, कोई धन देता है, कोई शरीर से सेवा करता है, कोई कुछ करता है, फिर भी कोई दिल नहीं देता। प्रेम कहता है अपना दिल दे दो। राज्य को सोने के बड़े बड़े माल नहीं चाहिए, हीरे मोतियों के हार नहीं चाहिए, 56 व्यंजन नहीं चाहिए, उन्हें सुंदर साथ के दिल का केवल समर्पण चाहिए। और इसी पर जागने का मुद्दा खड़ा है। समाधि की प्राप्ति कब होती है? योग दर्शन में लिखा है कि प्रणिधानात्, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण हो जाए, हमारे अंदर अहंकार की कोई ग्रंथि ना रह जाए, तभी समाधि की प्राप्ति होती है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परम धाम की हर परमात्मा को आगे कदम बढ़ाना होगा। चितवनी में क्या करना होता है? चितवनी में जैसे जैसे हम राज्य की शोभा को अपने हृदय मंदिर में बसाते जाते हैं, वैसे ही राज्य के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं और हमारे माया के जो दोष हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, सभी भागने लगते हैं। जैसे एक कमरे में घना अंधकार हो और उसमें ट्यूबलाइट जलाते ही सारा अंधकार भाग जाता है, उसी तरह से जैसे जैसे राज्य को दिल में बसाते जाएंगे, जो जो अर्श हुए नजीक, जो जो खोल है खेल हुए दूर, जैसे जैसे परम धाम के हम निकट पहुंचते जाएंगे, निकट पहुंचने का तात्पर्य अपने दिल में राज्य को बसाते जाएंगे, वैसे वैसे माया हटती जाएगी। और जैसे जैसे राज्य को भूलते जाएंगे, माया हमारे ऊपर हावी होती जाएगी। माया कुछ नहीं है, लेकिन जैसे इतना बड़ा ये कक्ष है और एक कागज का छोटा सा टुकड़ा एक दिन का मेरी आंखों के आगे आ जाए तो आप दिखाई नहीं पड़ेंगे, उसी तरह से ये माया नहीं होते हुए भी सब कुछ है। केवल मोह और अहंकार के कारण राज्य हमें नजर नहीं आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी पता है। तुम बिना जो कछु देखत, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, आपके बिना मैं जो कुछ देख रही हूँ, सो सब में आग की झाल। यही है एक जागृत परमात्मा में और एक माया के नींद में भटकती हुई आत्मा। तुम बिना जो कुछ देखा सो सब आग की झाल, आपके अतिरिक्त जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है ये संसार आग की लपटों के समान दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, जब माया का कष्ट होता है तो क्या कहते हैं? राज्य कब प्रलय करेंगे, कब प्रलय करेंगे, संसार से जी उड़ गया है, कहते सभी हैं, लेकिन सब गले के ऊपर से कहते हैं। राज्य कहे कि चलो अभी मैं चलने के लिए तैयार हूँ, कितने तैयार होंगे? कोई कहेगा कि अभी तो मुझे पोते की शादी करनी थी, कोई कहेगा कि अभी फैक्ट्री बनानी थी, कोई कुछ कहेगा, कोई चलने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा सा बुखार हो जाता है तो मेर सागर का बूटा लेकर बैठ जाते हैं, राज्य जल्दी से ठीक कर दो, हमारी दुकान में घट
घाटा भी हुआ था। रात दिन तो राज्य से माया ही मांग रहे हैं आप, माया को छुड़ाने के लिए कोई प्रार्थना करता है? मेहर तो तब है, देखिए लालदास जी करोड़ों पति थे, अरबों पति थे, एक दिन में ही कंगाल हो गए। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, ये राज्य की मेहर है, ये मेहर है कि मेहराज को सीधे हमसे में पहुंचा दिया और चारों बदनामी करा दी कि मेहराज ने तो पैसा रख लिया। दिल टूटता है तब धनी के चरण कमल पड़ते, तब हार के धनी बिचारिया मैं क्यों छोड़ू अपनी अठान, फिर बैठे मैं आसन कर महापति हृदय अपंग। जब आपका हृदय संसार से टूट जाए, जब लगे कि अपना कोई नहीं केवल अपना है, तो केवल राज्य और हम किसके हैं, केवल राज्य के। आप सबरे सारे रिश्तों को निभाइए, पति से, पत्नी से, बच्चों से, संगी संबंधियों से। रिश्ते निभाना अलग है, प्रेम करना अलग है। प्रेम कीजिए राज्य से। आपका पहला प्रेम किसके लिए होना चाहिए, केवल राज्य के लिए। मैं नहीं कहता कि पति पत्नी को छोड़े, पत्नी पति को छोड़े, तब तो घर घर महाभारत हो जाएगा, कोई सुख शांति से नहीं रहेगा। लेकिन जब आंखें बंद कीजिए तो उसमें पहला अपना आराध्य मानिए केवल राज्य को, चाहे कोई भाई हो चाहे बहन हो। पहले सोचिए कि पहले हमारे राज्य और हम किसके हैं, केवल राज्य के। ये तो संसार के रिश्ते हैं, कोई पत्नी बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई पति बन गया, कोई बच्चा बन गया, कोई दादा बन गया, ये माया के मोह के रिश्ते हैं। कुछ समय के बाद ये सभी काल के काल में समा जाने वाले हैं। जो हमारे दादाजी हैं वो भी तन छोड़ेंगे, जो हमारा पोता है वो भी बड़ा होगा, हम भी शरीर छोड़ देंगे, सब शरीर छोड़ छोड़ कर जाते जाएंगे। लेकिन धनी का और परमधाम की परमात्मा का जो संबंध है, दोनों एक स्वरूप है। माया की दृष्टि को हटाकर हमें परम धाम की दृष्टि देखना होगा और तभी खिलवत में हमारा प्रवेश हो सकेगा। यह खिलवत की वाणी के जो प्रारंभिक चार प्रकरण हैं, इसमें मैं खुदी को छोड़ने का मार्ग दर्शाया गया है। हर कोई चाहता है कि मैं खुदी छूट जाए। मैं खुदी का बीज कहां से होता है, अज्ञानता से, तमोगुण से। यदि हमारा स्वभाव तमोगुणी है तो हमारे अंदर अहंकार भी ज्यादा होगा। यदि रजोगुणी हमारा स्वभाव है, रजोगुणी की प्रवृत्ति है, तो आसक्ति होगी। यदि हमारा स्वभाव तो सतोगुणी है तो हमारा चिंतन भी सतोगुणी होगा, हमारा रहन सहन भी सतोगुणी होगा, हमारे अंदर ज्ञान की, भक्ति की, विवेक की, वैराग्य की रसधारा बहेगी। और जब ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य की रसधारा बहती है तो इच्छा करती है कि आंखें बंद हो केवल राज्य को देखते रहें। जब यह भावना प्रबल होती जाती है तो परिणाम क्या होता है, अध्यात्म का पथ हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। इसलिए मैं सुंदर साहब को बार बार कहता हूँ कि सुंदर साहब जी अपने आहार को सात्विक बनाइए, क्योंकि कितना भी बड़ा से बड़ा योगी होगा, बड़ा से बड़ा परमहंस होगा, बड़ा से बड़ा हिमालय की गुफा में ध्यान करने वाला होगा, यदि वो अपने आहार को तामसिक बनाता है, तामसिक समझते हैं, ऐसा आहार जिससे दुर्गंध आए। बासी भोजन से भी दुर्गंध आती है, मांस और शराब से भी दुर्गंध आती है, मछली खाते हैं उनसे भी दुर्गंध आती है। लहसुन प्याज में दोष नहीं है, लेकिन वो तमोगुणी है। ऐसा नहीं कि पाप है, पाप नहीं है लहसुन प्याज का, लेकिन तमोगुणी होने से उसमें दुर्गंध होती है। लहसुन कोई खाता है दूर तक बदबू आती है, और लहसुन प्याज खाने वाला मन को चंचल बनाए रखता है, अधिक मात्रा में खा लेगा तमोगुणी हो जाएगा, उस व्यक्ति का ध्यान नहीं लग सकता। यदि आप 10-10 मिर्चे खाया करें, 10-10 15-15 कप चाय कॉफी पिया करें खूब गर्म गर्म, तो आपका मन इतना चंचल हो जाएगा कि आप ध्यान में बैठेंगे तो शरीर बैठा रहेगा, मन भागता रहेगा। जब तक राज्य की शोभा आपके हृदय में नहीं बसती है, तब तक राज्य के गुण कहाँ से आपके अंदर आएंगे, माया के जो तमोगुण का प्रवाह है बढ़ता रहेगा। सुंदर साहब को यही लगता है, क्योंकि भोग में आया है अनेक विधि के अथाने। सब कहते हैं कि राजन स्वामी जब देखो तब हमसे आचार छुड़ा देते हैं, लहसुन प्याज छुड़ा देते हैं, मिर्चा छुड़ा देते हैं। अरे भाई, मैं इसलिए छुड़ाता हूँ, आप श्रीजी तो नहीं है,
मिराज के जी ने जो साधना की थी पूर्व जन्म में, हफ्से में जो कसौटी की वो आपने तो नहीं की, आप उनकी नकल क्यों करते हैं? इसलिए आप अपने हार को सात्विक बनाकर जब रांची श्यामा जी की शोभा को बसाएंगे तो आपके मन के विकार दूर होते जाएंगे और धीरे धीरे आप अध्यात्म के इस स्वर्णिम मार्ग पर चलते चलते रांची के प्रेम में डूब सकते हैं, हकीकत की अवस्था को प्राप्त करके मार्फत की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। एक क्षण ऐसा आ सकता है जब आप रांची के दिल में डूब कर अपने को पूर्णतया भुला सकते हैं, जो खिलवत का प्रथम लक्ष्य है। यह खिलवत की वाणी क्यों अवतरित की गई है कि हम इस माया के संसार में रहते हुए भी परम धाम की अनुभूति करें। क्या कहते हैं, ये हुई नबिना निस्वतीय इथि हुई वैदत निस्वत वैदत के तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। जब राज्य के चरण कमल हमारे दिल में हो जाते हैं तो हमारा दिल क्या हो जाता है, अर्श। जब राज्य का दिल हमारा धाम बन जाता है तो उसमें क्या होगा, निस्वत का सरोव विराजमान हो गया। हमारी परात्म की निस्वत है राज्य के चरणों से, हमारे हृदय में धनी के चरण कमल पड़े तो हमारा दिल धाम भी हुआ, ये निस्वत से हुआ। और निस्वत चाहे तो जब परम धाम हमारा दिल ही हो गया तो परम धाम की वैदत हमारे दिल में, परम धाम की खिलवत हमारे दिल में। लेकिन ये कब होगा, जब हम मैकुती के बंधनों को छोड़कर राज्य के प्रेम की डगर पर चलना प्रारंभ करेंगे। और वाणी के अवतरित कराने का उद्देश्य यही है कि सुंदर सार इस माया में रहते हुए भी जागृत अवस्था का अनुभव करें। इतनी बैठे कर जागे दाम पूरे मनोरथ हुए सबका, केवल वाणी हम अंगुली रख रख कर पढ़ते जाएं, एक घंटे में 1000 चौपाई पढ़ लें, उसके भावों को न समझें। आप ऐसा 1000 बार भी पढ़ लीजिए, उसके भावों को न समझिए और भावों को समझकर अपने जीवन में चरितार्थ न कीजिए, प्रेम के मार्ग पर न चलिए, मैं खुदे के बंधनों को छोड़कर राज्य के प्रेम में डुबकी नहीं लगा सकिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। हम सबसे अधिक अपना अहित कर रहे हैं, क्योंकि छठे दिन की लीला में सुंदर साध को एक सुनहला अवसर दिया गया है। यह अवसर पहले ब्रज में नहीं था, रास में नहीं था, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में भी नहीं था। और तो और मैं सच कहूं तो जो सुविधा आज आपको है, श्री जी के साथ रहने वाले सुंदर साध को भी ये सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। यह उनका सौभाग्य था कि इन नैनों से श्री जी का साक्षात दर्शन करते थे और जब श्री जी चर्चा करते थे तो सुंदर साध को इन नैनों से युगल स्वरूप के दर्शन होते थे। लेकिन उस समय इतना कागज नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे। आज घरों में बैठे हुए सुंदर साध परम धाम की चर्चा चलाते हैं जूम के माध्यम से, उनके पास कई कई भाषाओं में वाणी की टीकाएं हैं, सब कुछ है। आज तो आप अपने ऐसी घरों में बैठे बैठे सारा सुख ले सकते हैं परम धाम का। अब उस समय सोचिए, लाल दास जी हैं, भीम भाई हैं, बड़े बड़े ब्रह्मुनि हैं, घर द्वार छोड़कर सब श्री जी के साथ रह रहे हैं, सब सुंदर साथ कैसे रहते थे, पीतक में अष्टपद में पंडित थे, बंगला जी के चारों तरफ सब सुंदर साथ की झोपड़ियां बनी थी। आज से 300 वर्षों का पहले का जीवन क्या था, आज तो देखिए कक्ष में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं। आप सोचते होंगे जब श्री जी बंगला जी दरबार में चर्चा करते होंगे तो पंखे हाथ से उसमें ढुलाए जाते होंगे, ये ठीक है। आज हम वातानुकूलित कमरों में बैठकर वातानुकूलित गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, जो चाहे अपने मोबाइल में परम धाम के 25 पक्षों का सारा दृश्य देख सकते हैं। एक तो नहीं, हजारों घंटों की चर्चा भी हमारे पास उपलब्ध है, सब सुन सकते हैं। लेकिन एक ही जो कमी है, हमारे हृदय में कोमलता नहीं है, हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में समर्पण नहीं है, और राज्य को पाने के लिए अटूट संकल्प नहीं, अटूट विश्वास नहीं और अटूट पुरुषार्थ नहीं। ये कमियां हमारे अंदर है, नहीं तो छठे दिन के लीला का जो अंतिम चरण है इसमें सुंदर साध को सुविधाएं सारी दी गई हैं। यदि हम अपनी कमजोरियों को दूर कर लें तो हम बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं जो यहीं बैठे बैठे राज्य के सुखों की अनुभूति कर सकते हैं।
मैं सब सुंदर साहब इतने प्रेम से शांतिपूर्वक चर्चा सुन रहे हैं, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि जो खिलौत वाणी का लक्ष्य है उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाएं और अपनी आत्मा को जागृत करके यहीं बैठे बैठे ऐसा अनुभव करें कि हम तो मूल मिलाव में ही साक्षात बैठे हैं। इतने बैठे घर जागे दाम पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति को प्राप्त करें।